हेलो क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल माई सेल्फ परमेश्वर सिंह क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज एंसर्स ऑफ लेसन नाइन एंड लेसन नेम इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन सी टेक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस मीन्स निम्नलिखित में से कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए ऑप्शन ए इफ ऑप्शन बी इफ इल्स ऑप्शन सी इफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी इफ इलिफ इल्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड मींस निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा एक कोड है और ऑप्शन ए है हेलो ऑप्शन बी है हाय ऑप्शन सी है हेलो हाय एंड ऑप्शन डी है नथिंग विल प्रिंट ओके तो इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन देखिए ट्रू हो जाएगी और यह कंडीशन ट्रू होने से केवल यह स्टेटमेंट प्रिंट होगा ओके okay? तो इसका आउटपुट आएगा हेलो ओके okay? इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोइंगल स्टेटमेंट इन पाइथन मीन निखित में से कौन पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है ऑप्शन बी इफ इल्स स्टेटमेंट ऑप्शन सी इफ इल्स स्टेटमेंट ऑप्शन डी नॉन ऑफ देश तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एंसर ऑफ द एक्सप्रेसन टू डबल स्टार टू डबल स्टार टू इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी सिक्सटीन ऑप्शन सी फोर ऑप्शन डी एट तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्सटीन तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है टू के पावर टू के पावर टू नेक्स्ट क्वेश्चन If a equal to 20 and b equal to 10, then what will be the output of the following code? Okay? तो so, following code का output क्या होगा? देखिए ये code है, okay? और option A है 30 और option B है 20, option C है 10 और option D है nothing will print, okay? तो so, यहाँ पर देखिए a की value है 20 और b की value है 10, okay? तो यहां पर देखिए क्योंकि फॉल्स लिखा हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रन नहीं करेगा तो वो यह रन करेगा ओके okay? तो होगा क्या ए माइनस बी तो ए में ट्वेंटी है माइनस बी मतलब टेन तो क्या आ जाएगा टेन आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टेन सी फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट मीनस यह स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका आंसर है इफ स्टेटमेंट नेक्स्ट इन पाइथन द नॉन जीरो वैल्यूज इज इंटरप्रेटेड एज मीनस पाइथन में नॉन जीरो वैल्यू को इंटरप्रेट किया जाता है एज अ ट्रू ओके तो पाइथन में ऐसी वैल्यूज जो नॉन जीरो हैं उनको ट्रू समझा जाता है नेक्स्ट डिसीजन स्टेटमेंट्स में गिव द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स ओके okay. जो डिसीजन स्टेटमेंट है वो रिजल्ट में या तो ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द प्रोवाइडेड कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स मीनस वह ब्लॉक जो केवल दिए गए कंडीशन के फॉल्स होने पर ही एग्जीक्यूट होता है तो उस ब्लॉक को कहते हैं इल्स ब्लॉक सी ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन द इफ इल्स स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट मीनस इफ इल्स स्टेटमेंट सबसे सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स है क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट पाइथन डज नॉट अलाउड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ओके पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अलाउ नहीं करता है तो ये फॉल्स है क्योंकि अलाउ करता है नेक्स्ट इफ इलिफ इल्स लेडर नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन मीनस इफ इलिफ इल्स लेडर पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है तो यह फॉल्स है क्योंकि है नेक्स्ट क्वेश्चन द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ कमांड इफ द प्रोवाइडेड कंडीशन इट्स टू ट्रू मीन्स इफ स्टेटमेंट केवल एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब दिया गया कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू है नेक्स्ट द इफ इलिफ इल्स स्टेटमेंट अलाउज यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट इफ इल्स आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट कर सके तो ये ट्रू है सी शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है आंसर कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिसाइड द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम के फ्लो को कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द सेंटेक्स फॉर इफ इफ इल्स स्टेटमेंट ओके इस स्टेटमेंट के लिए सेंटेक्स राइट करिए तो देखिए ये सिंटेक्स है इसे नोट कर लीजिए ओके नेक्स्ट राइट द सिंटेक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट ओके इफ स्टेटमेंट का सेंटेक्स राइट करिए तो बहुत ही आसान सेंटेक्स है इसका ओके okay? देखिए इसे नोट कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ओके नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करिए ओके तो ये देखिए फ्लो चार्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंचेस ओके सेंटीमीटर वैल्यू को इंच में चेंज करने के लिए प्रोग्राम राइट करिए ओके तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है इसके लिए आपको वैल्यू को इनपुट लेना होगा ओके okay? और फिर आपको इस तरह से वैल्यू को इंच में चेंज करना होगा और फिर उसे प्रिंट कर देना होगा ओके देखिए नेक्स्ट वाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम्स मीन निम्नलिखित प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या होगा तो देखिए प्रोग्राम इस तरह से है ओके तो यहां पर देखिए यहां पर यूजर से वैल्यू इनपुट करने के लिए बोला गया है ओके तो यूजर इनपुट करेगा ए और वी की वैल्यू ओके और जैसी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा ए और बी के लिए उसके अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा ओके सपोज करिए यूजर ने इनपुट किया फर्स्ट नंबर फाइव और सेकेंड नंबर उसने इनपुट किया सेवन ओके तो इसका आउटपुट होगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर ओके okay? तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं कि आउटपुट इज डिपेंड ऑन यूजर इनपुट ओके यूजर इनपुट पर डिपेंड है इसका आउटपुट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम इस तरह से है ओके okay? और देखिए यहां पर नंबर की जो नंबर है इसकी वैल्यू देखिए थ्री पॉइंट फोर ओके तो ये ग्रेटर देन जीरो तो है तो प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर ओके और ये कंडीशन चेक की नहीं होंगे ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम इस तरह से है ओके okay. देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू दी गई थर्टी वन ओके तो ये देखिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टेन है तो एबव टेन प्रिंट होगा नेक्स्ट टाइम चेक होगा तो एंड आल्सो एब ट्वेंटी ये भी प्रिंट हो जाएगा लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा ओके okay? तो देखिए इसका आउटपुट इस तरह से आएगा देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम इस तरह से है तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 33 ओके okay? कंडीशन है इफ इज ग्रेटर देन ए ओके तो यदि ग्रेटर देन होगा ए से तो ऐसा तो है नहीं तो ए प्रिंट नहीं होगा बल्कि ए प्रिंट होगा बी इज नॉट ग्रेटर देन ओके तो इसका आउटपुट आएगा बी इज नॉट ग्रेटर देन ओके क्लास यदि आप फन इन लैब जो आपके बुक में दिया हुआ है यदि आप उन प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए वहाँ पर आपको पाइथन प्रोग्राम्स की एक सेपरेट प्ले मिल जाएगी और उस प्ले में आप इन प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो ओके क्लास इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग